हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग को क्या पढ़ना है? बिल्स ऑफ मटेरियल। जैसा कि असाइनमेंट नंबर 10 है, इसमें दिया है क्रिएट अ कंपनी एज अ कंपनी रे इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, और इसमें 18-19 की कंपनी बनानी है हमें विद द ओपनिंग बैलेंसेस। और हाँ, एक और चीज़ है इसमें, जैसा कि मैं बोला था, बोम हमें फीचर सीखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोम? बोम का मतलब होता है बिल्स ऑफ मटेरियल। अब बिल्स ऑफ मटेरियल का मतलब होता है कि जब हम लोग कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए उससे पहले उसका फॉर्मूला तैयार करते हैं। सपोज अगर हम लोग कोई भी चीज़, अगर सपोज यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल दिया है चॉकलेट केक, तो यहाँ एक चॉकलेट केक भी अगर बनाने जा रहे हैं, तो उस चॉकलेट केक को बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है ना? तो वो जो फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे दिया है 1.5 पाउंड केक बनाने के लिए हमें ये सारे मटेरियल्स चाहिए, तो जो फॉर्मूला टू मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग कहते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल। वो आज हम लोग को प्रैक्टिस करना है, और बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो जैसा कि अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस चढ़ा लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस हम लोग एडिटर में जाके चढ़ा लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है एडिटर में। ओके, कैश दिया हुआ है, कैश है 12,000 रुपये, 12,000। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है 32,000, 32,000, 32,000। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल अंडर कैपिटल 2,75,000। लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, लोन फ्रॉम इंडियन बैंक इट्स अ सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन 1,22,000। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर, फर्नीचर अंडर फिक्स्ड एसेट एचडीएफसी बैंक, बैंक अकाउंट 91,000। तो ये देखिए, हमने अपने वीडियो कर लिया, एक लेजर शायद रह गया, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस भी हो गया, तीनों। अब एक बार बैलेंस शीट कर लेते हैं, कोई डिफरेंस ना हो, कोई डिफरेंस नहीं है, 4,29,000 है। नो कंपनी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेट केक्स, यानी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही चॉकलेट केक का, एंड फॉर दिस पर्पज कंपनी परचेज द फॉलोइंग गुड्स मेसर्स गंगाराम ऑन 1 अप्रैल 2018 को, बिल्स ऑफ बिल दिस मंथ। तो चलिए परचेज की एंट्री करनी है, सीधे हम लोग पहुंचते हैं परचेज स्टेटमेंट करने के लिए। ओके, यहाँ पे इनवॉइस नंबर दे ही रखा है, ओके। डेट क्या है? 1/4 को ही खरीदारी किया, ठीक है। फिर पार्टी का नाम है आपका मेसर्स गंगाराम ब्रदर्स, एल सी करके बना लेंगे, मेसर्स गंगा राम ब्रदर्स, ठीक है ना? ये आपका हो जाएगा सैंड्री, क्रिएटर हो जाएगा। नेक्स्ट परचेज का लेजर हम लोग को यहाँ पे डिफाइन करना है, परचेज अंडर परचेज अकाउंट, कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, आइटम पकड़ाना है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है क्या, बटर, यहाँ पे हम बटर बना लेते हैं, बटर। जैसा कि ये हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल, ठीक है ना? रॉ मटेरियल हो गया, यूनिट्स क्या हो गया, यूनिट्स में है केजी। पूरा नाम हम लोग लिखना चाहते हैं, लिख देंगे किलो ग्राम, ठीक है ना? अब किलोग्राम हो गया, इसमें डेसिमल के कितने पोर्शन तक चाहिए, डेसिमल के 3 पोर्शन तक हम रख देते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1,000 ग्राम रख सकते हैं। एक्सेप्ट हो गया। अब देखिए बटर कितना बनाना है, 6 केजी।
मतलब खरीदे हैं 6 kg 200 कैरेट्स है। इसी तरह से फिर अगला आइटम है सुगर, सुगर 10 kg खरीदा है। सुगर भी रॉ मटेरियल है हमारा, केजी है, 10 kg 80 रुपीज। नेक्स्ट है आपका चॉकलेट अनस्वीटेंड, स्वीटेंड अगेन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इसलिए क्योंकि हम लोग ये प्रोडक्शन करने के लिए, चॉकलेट केक बनाने के लिए हम खरीद रहे हैं। ये आपका है 5 kg, रेट है आपका 650, 650 रुपये के जी। नेक्स्ट है आपका फ्लोर है 15 kg 45 रुपये। गेन रॉ मटेरियल के जी 15 kg 45 रुपीज। नेक्स्ट है आपका मिल्क, मिल्क भी रॉ मटेरियल ही है। अब देखिए इसका भी केजी में लीटर भी हो सकता था, केजी भी, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। लिक्विड को दो पैरामीटर पे हम लोग मापते हैं, इवन केजी इवन लीटर, सो 75। नाउ नेक्स्ट है आपका एग, एग ध्यान रखिएगा पीसेस में डालना है, इस चीज का ख्याल रखिएगा, इसको भी केजी मत कर दीजिएगा। पीसेस पूरा नाम यहाँ लिख दीजिए, डेसिमल पोर्शन यहाँ कोई जरूरत नहीं है। कितना है हम लोगों ने 100 पीस खरीदा है 4 रुपए के रेट से, 3 kg 3 kg है। ये भी रॉ मटेरियल अगेन केजी, वनीला एक्सट्रैक्ट केजी है 3 kg। कितना आइटम है 3 kg है, 1000 kg 1000 रुपये। नेक्स्ट है आपको का बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर रॉ मटेरियल केजी, ठीक है। बेकिंग पाउडर केजी 1 kg 3700। सॉल्ट पाउडर, सॉल्ट भी रॉ मटेरियल, ₹40 पर केजी। ओके नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है नीचे, यूज अल्टरनेटिव यूनिट फॉर ऑल द आइटम्स ग्राम्स, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स है ना। अब देखो ये चीज हम लोगों ने कहीं नहीं किया, हम लोगों ने सारे आइटम्स जितने बनाए सब में केजी यूज किया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा हमें अल्टरनेट यूनिट यूज करने के लिए बोला है लास्ट में, तो यहाँ पे कह रहा है ग्राम भी पकड़ा दीजिए अल्टरनेट यूनिट में, तो हम लोग GMS यानी ग्राम पकड़ा देते हैं। और इसमें कोई डेसिमल पोर्शन मत यूज करिएगा। अब यहाँ पे बता दीजिए 1000 ग्राम बराबर 1 kg, तो ये अल्टरेशन हमें सब में करना होगा। अब देखिए क्या खासियत है, नीचे बता भी रहा है, ठीक है ना, 6 kg है, नीचे ग्राम में आना चाहिए, वैसे ग्राम में नहीं दिखा रहा है, कंट्रोल एंटर करके देखिए मैं ऐसे ओपन कर रहा हूँ
और ओपन करके यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट में मैं ग्राम पकड़ा देता हूँ, और यहाँ पे 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। इसी तरीके से अगला सब लाइन बाय लाइन हम लोग पकड़ाते चले जाएंगे। ग्राम 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, इसी तरीके से लाइन से सबका पकड़ाते चले जाएंगे। हालांकि ये सब हम लोग को क्रिएशन के टाइम में ही कर देना था, क्रिएशन के टाइम में नहीं मिला तो कोई नहीं, अभी हम लोग कर दे, बाद में भी कर सकते हैं। जैसे जिन्होंने वीडियो पहले देख लिया है तो बाद में प्रैक्टिकल करेंगे, तो आप लोग शुरू से ही ये चीज करके चलिएगा। पीछे से इसमें तो कुछ नहीं करना, एक में मत कर दीजिएगा, सिर्फ जहां जहां केजी हमने लगाया है वहां हमें ये काम करना है। नेक्स्ट बेकिंग पाउडर, नो इट्स ओके, न्यू रिफ्रेश, बिल नंबर सेव, कोई ड्यू डेट है? कोई ड्यू डेट नहीं है, तो हम लोग इसको यहीं पे सेव कर लेंगे। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज, यूनिट्स मेजर्स इनकरेक्ट दिखा रहे हैं, बटर का यूनिट्स मेजरिंग करेक्ट फॉर द आइटम, कम से कम मतलब है कि अल्टरेशन में हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग को फ्रेश परचेज करते समय ही हमें ये चीज करना है। देखिए अल्टरेशन एक्सेप्ट नहीं किया, मैं फिर से लाइन से सबको पकड़ा देता हूँ, क्वांटिटीज बोल दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब नीचे ग्राम आ रहा है, उसमें क्या था केजी केजी आने लगा था, नेक्स्ट क्या था शुगर 10 kg 80 rupees की, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स फिफ्टी, नेक्स्ट फ्लोर 45 kg, नेक्स्ट मिल्क 12 kg 75 रेट, नेक्स्ट मिल्क एग्स 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 है ना 100 rupees ना, नेक्स्ट उसके सर वनीला 3 kg सर 1000 rupees, नेक्स्ट बेकिंग पाउडर 1 kg 1 kg 3700, नेक्स्ट सॉल्ट 1 kg 2 rupees, दैट्स इट, अब कंप्लीटेड। अब देखिए आपको एरर नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग से ही हमें अल्टरनेट रूट ले लेना चाहिए था। नेक्स्ट परचेजिंग हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मूला तैयार है। अब ये हम लोग के लिए है क्या जो देखते हैं सब लोग, नीचे देखिए यहाँ पे दे रखा है टू प्रोड्यूस 1.5 पाउंड केक चॉकलेट केक द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स आर एंड क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड, मतलब कि अब रेसिपी दे रखा है तो इसको देखिए बनाने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अगेन वही इन्वेंटरी इन्फो स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। इस बार हमें बनाना है चॉकलेट केक, चॉकलेट केक अंडर जो हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया फिनिश गुड्स हमारा, ये हो गया हमारा फिनिश गुड्स, ये हमें बनाना है। यूनिट्स में क्या हो जाएगा, किस में हमें बनाना है ये बता रहा है, पाउंड्स में, तो हम लोग यहाँ पे बना लेंगे
अकाउंट। अब 1.5 चाहिए ना, तो इसलिए 10 मिनट के 2 स्थान तक लेना पड़ेगा। 1 मिनट डेसिमल पोर्शन नहीं लेगा। अब देखिए मैंने एक्सेप्ट करा दिया, एक्सेप्ट नहीं कराना था। जो चॉकलेट केक में ही अभी हमें बोन को यस करना था, तो हम लोग वापस अल्टर करेंगे चॉकलेट केक के अंदर। और देखिए यहाँ पे नीचे दिया होता है बोम बिल्स ऑफ मटेरियल, अभी तक हमने यस नहीं किया था, इस बार इसको यस कर देंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बोम आता नहीं है, अगर हम नहीं आएगा तो F12 करके यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन होता है इनेबल कंपोनेंट लिस्ट फॉर बिल्स ऑफ मटेरियल, इसको यस कर लीजिएगा। अब बिल्स ऑफ मटेरियल इसको यस करिए, जैसे यस करेंगे अभी आपसे पूछेगा बिल्स ऑफ मटेरियल फॉर्मूले का नाम क्या है। हम लोग रेसिपी बना रहे हैं, आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, फॉर्मूला ऑफ केक। यस, कितने यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे, 1.5। अगर हमने डेसिमल दो पोर्शन नहीं लिया होता तो 1.5 की जगह 2 कर देता, इसलिए 1.5 ले लिए। अब हमें सारा फार्मूला बताना है क्या क्या चीज़ें लगनी है। बटर 125 ग्राम लगना है, तो बटर हम लोग लिख देते हैं 125। अब 125 अगर ऐसे लिखेंगे तो केजी में पकड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा हमें क्या करना है 0.125, दैट मीन्स आप देखिए सही पकड़ रहे हैं, नीचे आप चेक करिए सही पकड़ रहे हैं कि नहीं। तो 0.125 लिखने पे आपका 125 ग्राम पकड़ लिया है। शुगर इसी तरीके से पकड़ाएंगे, शुगर कितना है 200 ग्राम है, तो 0.200। नेक्स्ट आपका चॉकलेट अनस्वीटेंड है, तो चॉकलेट अनस्वीटेंड को ध्यान रखिएगा 85 ग्राम है, तो 0.085 होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर 0.85 कर देंगे तो 850 ग्राम हो जाएगा, तो 0.085। फ्लोर 350 ग्राम 0.350। नेक्स्ट हमारा है मिल्क, मिल्क है 300 ग्राम 0.33। नेक्स्ट एक जो चाहिए वो कितना चाहिए, 3 पीस। नेक्स्ट वनीला एक्सट्रैक्ट चाहिए 15 ग्राम। नेक्स्ट बेकिंग पाउडर 0.15 है ना, अगर 1 पॉइंट कर, हाँ तो ये देखिए 150 ग्राम हो जाएगा, हमें 15 ग्राम चाहिए ना, 0.15। नेक्स्ट बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर हाउ मच, अगेन वही 0.012। नेक्स्ट सॉल्ट 10 ग्राम। चलिए ये कंप्लीट हो गया हमारा फॉर्मूला, बनाने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये तो हमने अपना फॉर्मूला बना दिया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, ऑन 1st 2018 को कंपनी प्रोड्यूस 50 पाउंड चॉकलेट केक एंड स्टोर्ड इट एलिबुरिया गोडाउन, कंपनी पेड लेबर एक्सपेंसेस दिस वन एंड कंसीडर द अदर एक्सपेंसेस गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी 15%, मटेरियल कॉस्ट का, भाई जाहिर सी बात है प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो उसमें लेबर चार्ज भी लगा, लेबर का 1000 रुपये लग गया, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी लग गई 15% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, फैक्ट्री का रेंट लग गया 5%, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस लग गया 2%, वो भी किसका, मटेरियल कॉस्ट का, टोटल मटेरियल कॉस्ट का, और कैरेज एक्सपेंसेस भी 1% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। अब जरा ध्यान रखिएगा सॉरी, टैली के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कोई वाउचर होता ही नहीं है, ये चीज़ समझिएगा। अगर टैली के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर नहीं होता, हम देखते हैं इसके अंदर बहुत सारे वाउचर्स हैं, अगर सारे वाउचर्स देखनी है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले में, और यही होता है आपका लिस्ट ऑफ, सॉरी यहाँ पे होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ स्टैटिस्टिक्स होता है। तो यहाँ देखिए अगर हम लोग वाउचर टाइप, तो करीबन 22 तरह के वाउचर टाइप हैं, और ये 22 तरह के वाउचर टाइप जितने भी हैं, ये सारे के सारे वाउचर टाइप जितने भी हमारे बना रखे हैं, इसको यहाँ से भी देख सकते हैं अकाउंट इन्फो वाउचर टाइप, और अल्टर कर सकते हैं, इतने सारे वाउचर टाइप आपके दे रखे हैं। इट्स प्रूफ दैट कि टैली मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाई नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या कोई वाउचर नहीं है इसके अंदर, तो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर नहीं है, बनाना पड़ता है,
यानी कि अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है छोटी मोटी तो हम टैली के अंदर कर सकते हैं, बट टैली इज नॉट स्पेशलाइज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग। छोटा मोटा कॉम्बो पैक बनाना है, समथिंग करना है, छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है, आप टैली पे कर सकते हो, बट मैं फिर से बोल दे रहा हूँ इट इज नॉट स्पेशलाइज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ओके सो चलिए आते हैं, तो वाउचर कैसे बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग का। तो मैन्युफैक्चरिंग का पहले तो वाउचर टाइप हम लोग बनाने वाले हैं। तो वाउचर टाइप बनाने वाले हैं कहाँ पे, यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में जा सकते हैं, अकाउंट इन्फो में वाउचर टाइप दोनों जगह मिलता है। यहाँ पे भी वाउचर टाइप मिलेगा आपका, इसके अंदर भी आपका वाउचर टाइप मिलता है, किसी में भी वाउचर टाइप चले जाइए। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे, हमें वाउचर टाइप क्रिएट करना है मैन्युफैक्चरिंग का। तो क्रिएट करेंगे MFG के नाम से, मैं बना देता हूँ मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन हाँ स्टॉक जनरल के अंडर में ये बनेगा, इसकी अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग की आईडी नहीं, स्टॉक जनरल के ही बेस पे बनने वाला है। और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन होता है यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जनरल, ये वाउचर हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग जनरल, इसको यस कर लीजिए। हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग का, देखना है तो वाउचर में आइए, Alt F7 होता है स्टॉक जनरल का, चूंकि स्टॉक जनरल के बेसिस पे बना है, तो जैसे ही हम लोग Alt F7 करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ देखिए आ रहा है स्टॉक जनरल खोलना है कि मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग हमें ये मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर खुल गया। गोडाउन भी बोला है तो पहले गोडाउन हम लोग एक्टिव कर लेते हैं F11 से इन्वेंट्री फीचर में, यहाँ पे जा करके हम लोग मल्टीपल गोडाउन को यस कर लेते हैं। इससे पहले जो सारा मटेरियल खरीदाया था वो उसका भी गोडाउन दिया था एल्यूबीरिया, तो हम लोगों ने गोडाउन वहाँ पे मेंशन नहीं किया था, तो चलिए हम लोग मेंशन कर लेते हैं कि सारा सामान वहाँ पे पहले पटक देते हैं, उठा के एल्यूबीरिया ने जब ख़रीदारी किया था, डिस्प्ले डेबुक में आप देखें अभी तक यहाँ पे हम लोग गोडाउन नहीं पकड़ाए थे, यहाँ पे हर जगह क्या कर देते हैं एल्यूबीरिया। यानी ये सारा स्टॉक पहले किधर उठा के रख देते हैं, एल्यूबीरिया में, उसी टाइम पे कर दीजिए आप लोग, दिया भी था क्वेश्चन में। मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज अगर मिसिंग होती है तो उसे आप बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई मिसिंग हो गई तो फिर नहीं कर सकते। हाँ आपने अभी भी देखा था कि यूनिट्स के केस में दिक्कत होती है, यूनिट्स के केस में बाद में एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन गोडाउन डाउन कोई टेंशन नहीं है, आप लोग इसको अल्टर करके वापस ठीक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सारा गोडाउन किस में आ गया, एल्यूबीरिया में। अगर गोडाउन वाइज चेक भी करना है रिपोर्ट तो डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री होता है यहाँ पे, गोडाउन होता है यहाँ पे, हम एल्यूबीरिया में चेक करेंगे, सारा रॉ मटेरियल यहाँ पे आ गया। अब लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी वही हो रहा है एल्यूबीरिया गोडाउन में ही हो रहा है, ठीक है। चलिए तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम लोग को पता है क्या करना है, वाउचर में जाना है, Alt F7 दबाना है, मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैन्युफैक्चरिंग किस डेट में हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है 1 मई को, तो यहाँ पे हम लोग F2 करके करेंगे क्या, 1 मई। यहाँ पे क्या आइटम है, यहाँ पे ध्यान रखिए चॉकलेट केक है, जैसे मैंने देखिए चॉकलेट केक पकड़ा है, सारे आइटम्स रॉ मटेरियल्स अपने आप आ गए, क्योंकि फार्मूला पहले से लगा हुआ है, गोडाउन वही है एल्यूबीरिया है। और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग क्वांटिटी बना रहे हैं 50 पाउंड केक, तो जैसे मैं क्वांटिटी फिट करूंगा ध्यान से देखिएगा यहाँ क्वांटिटी और रेट अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे मैं देखिए 50 पाउंड लिख के जैसे इंटर कर रहा हूँ, सारी क्वांटिटी रेट अपने आप मल्टीप्ल, क्योंकि 1.5 पाउंड का हमने दे रखा है, उस हिसाब से उसने 50 पाउंड का मल्टीप्लाई कर लिया। और रेट सर कैसे आ गए, क्योंकि हमने 1 अप्रैल को परचेज किया था, तो परचेज का रेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। अगर मैं परचेज करूँगा 1 मई को और प्रोड्यूस करूँगा 1 अप्रैल को उल्टा, तो रेट नहीं आएगा, परचेज करने के बाद ही प्रोडक्शन, जैसे उधर रॉ मटेरियल खरीदोगे उसके बाद ही ना प्रोड्यूस करोगे। अब देखिए यहाँ पे है क्या, ये तो हो गया, इसके बाद देखिए यहाँ पूछता है को प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट स्क्रैप। अगर ये प्रोडक्शन के दौरान अगर कुछ को प्रोडक्ट भी तैयार होता है, जैसे अगर हम लोग बात करें क्या, जैसे मिल्क से कई चीज़ें बनती हैं, घी भी बनता है सपोज करिए, छाछ भी बनता है, दही भी बनता है, ये सब चीज़ें, तो अगर अगर सपोज करो कोई एक चीज़ पर्टिकुलर हम प्रोडक्शन कर, उसके साथ कुछ और भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड को प्रोडक्ट।
जैसे हम सरसों का तेल है, सरसों का तेल जब निकलता है तो उसके साथ उसकी खरी भी निकलती है, दैट इज को प्रोडक्ट, दोनों चीजें बिक जाती हैं, तेल भी बिकता है खरी भी बिकता है। नाउ बाई प्रोडक्ट भी होता है, अच्छा उसको को प्रोडक्ट नहीं बोल के बाई प्रोडक्ट बोलिएगा, जैसे मैंने अभी सरसों का तेल के साथ खरी बोला। बाई प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि तेल की वैल्यू ज्यादा होती है, खरी की वैल्यू काफी कम होती है, इसलिए हम उसको बाई प्रोडक्ट शब्द से डिन्यूट करेंगे। को प्रोडक्ट शब्द तब यूज करते हैं जब एक प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस करें उससे दो प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन हाँ दोनों की ही वैल्यू अच्छी खासी होती है। जैसे कच्चे तेल को जब रिफाइन किया जाता है, कच्चे तेल को जब रिफाइन किया जाता है उससे पेट्रोल बनता है, डीजल भी बनता है, यानी पेट्रोल और डीजल दोनों की वैल्यू अच्छी खासी होती है, तो इसलिए वो सब को प्रोडक्ट में आएगा। लेकिन हाँ साथ ही साथ ग्रीस भी निकलता है, तो ग्रीस की वैल्यू थोड़ी कम होती है, तो इसलिए वो बाई प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं। सर स्क्रैप जो कूड़ा है, जो कूड़े के भाव बिकता है, उसको हम लोग स्क्रैप कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो जो दर्जी होता है कपड़े सिलता है, अब वो अगर क्या करता है उसके कपड़े के जो कतरन बच जाते हैं तो वो कूड़े के भाव से भी बेच देता है, तो उसको हम लोग स्क्रैप बोलेंगे। फिलहाल यहाँ पे चॉकलेट केक बनाते समय ऐसा कुछ भी नहीं है, स्क्रैप हो रहा है बाई प्रोडक्ट, ना तो कोई बाई प्रोडक्ट ना कोई को प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। अगर तैयार होता तो यहाँ पे हम दिखाते हैं, और उसका उसकी वैल्यू टोटल कॉस्ट में से हमारी क्या हो जाती, लेस हो जाती, क्योंकि उससे भी कुछ ना कुछ मिल रहा है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए एडिशनल कॉस्ट में कह रहा है क्या, लेबर चार्ज लगा है, तो हम लोग यहाँ पे बना देंगे लेबर चार्ज। तो लेबर चार्ज हमारे लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि प्रोडक्शन के समय लग रहा है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस डाल देंगे। और कितना है अमाउंट में है सीधे, तो अमाउंट में जाके 1000 भरिए, गलती से परसेंटेज के नीचे मत भर दीजिएगा, यहाँ मत भर दीजिएगा परसेंटेज में, वरना 1000% हो जाएगा वो, तो 1000 वैल्यू है सीधे वैल्यू में डालिए। नेक्स्ट क्या है, इसके अलावा लग रहा है फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, तो फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी भी डायरेक्ट एक्सपेंस में ही डाल लेंगे। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी कितना है आपका, 15% ऑफ मटेरियल कॉस्ट होती है, यहाँ परसेंटेज में डालना, तो आप 15% डाल रहे हैं। देखिए 15% मैंने जैसे डाला, 1031 आया। अब अगर आपको चेक करना है कि इसी का है ना मटेरियल कॉस्ट का ही है ना, इसी मटेरियल कॉस्ट का है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर करके कैलकुलेटर में चेक कर लेंगे, 6876 रुपीज 55 पैसे, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना परसेंट, 15%, देखिए एग्जैक्ट है, तो यानी ये मटेरियल कॉस्ट पे ठीक पकड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है क्या फैक्ट्री, इसके बाद होता है फैक्ट्री रेंट, तो फैक्ट्री रेंट भी हम लोग कर देते हैं, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा, फैक्ट्री सर्विस रिलेटेड है, इसलिए कितना है, 5% है। कहता है क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ध्यान रखिएगा ये ऑफिस एक्सपेंसेस है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ये कितना हो रहा है, 2% हो रहा है। लास्ट है आपका कैरेज चार्जेस, तो कैरेज चार्जेस वो नहीं आती कि हम लोग बेच रहे हैं या इधर से उधर ले जाने का खर्चा है, कैरेज कैरेज ध्यान रखिएगा ये आउटवर्ड है, तो यहाँ पे क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होगा, कितना परसेंट है, 1% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, दैट्स इट। तो देखिए टोटल कॉस्ट जो पड़ी हमारी, ये तो इसके मटेरियल की कॉस्ट थी, फिर ये सारे लेबर चार्ज ऊबर चार्ज सब मिला के 2581 रुपये लग गए, फिर 6876 मटेरियल कॉस्ट में 2581 जोड़ा और 9458 रुपये आ गया। एक पाउंड केक का दाम जो पड़ा वो 189 रुपये, यानी 190 रुपये एक पाउंड केक का हमारी टोटल कॉस्ट पड़ी, बीइंग गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, हमने गुड्स मैन्युफैक्चर कर दिया। अब क्या कह रहा है, बाथरूम में कह रहा है ऑन 2 मई 2018 को इंटायर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड केक हैज बीन ट्रांसफर टू एस्प्लेनेड शॉप फ्लोर एंड इनकर्ड 478 रुपीज अगेन ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस इन कैश बाय कैश रिवाइज द कॉस्ट ऑफ गुड्स बाय द ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। अब हम सारा गुड्स अभी अलीबीरिया को डाउन में उठा के हम एस्प्लेनेड में ट्रांसफर करेंगे, तो आई थिंक ट्रांसफर स्टॉक आप लोग पहले भी कर चुके हो, सिंपल LTF7 करेंगे, इस बार हम लोग सिंपल स्टॉक जनरल में जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग जो ट्रांसफर कर रहे हैं ऑन 2 मई, यहाँ डेट पहले ठीक कर लेंगे, 2 मई
अब यहाँ पे क्या क्या गुडाउन, सिर्फ एक ही गुडाउन है, चॉकलेट केक ही है, सॉरी सॉरी सिर्फ एक ही आइटम है ना, चॉकलेट केक देखिए 50 पाउंड आ गया। तो 50 पाउंड स्टॉक हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्यूविरिया गुडाउन से उठा रहे हैं 50 पाउंड। अपने आप देखिए रेट आएगा, सेम आ रहा है ना रेट, 80 नहीं। इसको उठा के किधर हम बेच रहे हैं, चॉकलेट केक को उठा के हम लोग एक स्प्लेनेट शॉप में बेच रहे हैं, शॉप ठीक है ना, तो स्प्लेनेट शॉप में भेज रहे हैं, अगेन वही 50 पाउंड, लेकिन इसमें भाड़ा लग रहा है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, यहीं पे F11 दबाइए, और यहाँ देखिए होता है एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, इसको यस करना होगा, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब जब हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा, पूछेगा और भी कोई खर्चा हुआ है, तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस क्या हुआ है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा, कितना परसेंटेज है, ये है आपका अमाउंट है 478%, में डालना अमाउंट में डालना 478। ये देखिए कॉस्ट में उसके इंक्लूड हो गया ये भी 9,936 रुपये। तो अगर अगर हमें फाइनली देखना है कितना एक पाउंड का केक का पड़ा दाम, तो 9,936 रुपये डिवाइडेड बाई 50 पाउंड केक, दैट मीन्स हमारा 198 रुपये करीबन पहुंच गया, 198 रुपये 72 पैसा, यू कैन से 200 रुपीज का एक पाउंड केक है। यहाँ पर लिख देंगे बींग गुड्स ट्रांसफर हो गया कंप्लीट ना। अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है डिक्लेयर करना है, कंपनी डिक्लेयर अ प्राइस स्कीम फॉर द कस्टमर एज बिलो, ये प्राइस लिस्ट तैयार करना है, प्राइस लिस्ट तैयार इसलिए करना है ताकि कोई भी अगर कस्टमर हमारे यहाँ आता है तो हम क्या करें, हमारा जो बंदा है बैठा रखा है जिसको मैंने सेल के लिए, उसको प्राइस सोचना ना पड़े, वो तुरंत वो क्वांटिटी डाले ऑटोमेटिकली प्राइस आ जाए। और ये प्राइस स्कीम ध्यान रखिएगा, वैसे तो टैली में रेट हम लोग प्राइस दो तरीके से सेट कर सकते हैं, एक तो प्राइस लेवल के थ्रू और दूसरा होता है स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है ना। स्टैंडर्ड प्राइस जो होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जब भी हम बनाते हैं, जब भी हम कोई भी आइटम बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड रेट आता है बाय डिफॉल्ट। अगर हम यहाँ यस कर दें तो यहाँ पे पूछता है किस डेट से एप्लीकेबल है और उसका क्या रेट रहेगा, ये तो स्टैंडर्ड रेट कॉस्ट बता रहे हैं, सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिखाएंगे किस डेट से हम क्या रेट हम डिसाइड कर रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे हम कौन जैसे हम लोग आइटम सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे और क्वांटिटी डालेंगे, ऑटोमेटिकली रेट पहुँच जाएगा। लेकिन प्राइस लेवल है, प्राइस लेवल इसमें स्टैंडर्ड रेट में क्या फ़र्क है, प्राइस लेवल के जरिए भी हम लोग प्राइस बना सकते हैं, लेकिन इसमें ये फ़र्क है कि जैसे हमें ये डिसाइड करना है क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली प्राइस सेट करना है, हम भाई रिटेलर आएगा, अगर मेरा कंज्यूमर आता है तो उसके लिए प्राइस अलग है, अगर रिटेलर आता है तो प्राइस अलग है, होलसेलर आता है तो प्राइस अलग है। अब सॉल्व होता है कैसे हम पहचानेंगे सामने वाला कंज्यूमर है रिटेलर है कि होलसेलर है, जब वो मुंह खोल के बोलता है ना कि सर हमें 10 केजी चाहिए, मतलब कि हमें चाहिए 10 पीस 4 पीस, हम समझ जाते हैं वो कंज्यूमर है। जैसे वो बोलता है एक गत्ता चाहिए, हम समझ जाते हैं वो रिटेलर होगा। जैसे वो कहता है नहीं हमें हमें 100 गत्ता चाहिए, तो हम समझ जाते हैं कि वो होलसेलर है। यानी कि सामने वाले की क्वांटिटी ऑर्डर करने पे हम समझते हैं वो होलसेलर है रिटेलर है कि क्या है। तो वो प्राइस लेवल हम यहाँ पे सेट करना चाहते हैं केक के लिए, तो इसके लिए अगेन F11 में जाएंगे, इन्वेंटरी फीचर में जाएंगे, यही देखिए होगा प्राइस लेवल, मेंटेल प्राइस लेवल यहाँ पे होता है, इसको यस करेंगे। पूछता है प्राइस लेवल का नाम क्या बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट्स आते हैं आजकल, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, उसमें आता है मेगा सेल ऑफर है ना, बिग डील, ठीक है ना, इस तरह के, तो दिवाली धमाका। हम लोग का देखिए क्या है, हम लोग का जो प्राइस है, कंपनी डिक्लेयर द प्राइस स्कीम फॉर द कस्टमर बिलो, हमारा जो स्कीम का नाम है वो है ग्रेट डील, तो हम लोग ग्रेट डील के नाम से बनाएंगे, ठीक है ना, तो ग्रेट डील हम लोग बना दे रहे हैं। पूछ तो यहाँ पे देखिए सिंपल एक ही स्कीम बनी, हम चाहे तो और भी कई स्कीम्स बना सकते हैं, फिलहाल तो हमने एक बना के एक्सेप्ट कर लिया। अब प्राइस स्कीम प्राइस लेवल डालने का इन्वेंट्री इन्फो में आप देखिए एक नई चीज आ जाएगी, प्राइस लिस्ट,
अब यहाँ पे सारे आइटम्स के लिए बना रहे हैं कि सिर्फ एक आइटम के लिए बना रहे हैं? यू कैन से सारे आइटम के लिए बनाना होता तो सारे आइटम के लिए बना सकते थे, हालांकि हमें सिर्फ चॉकलेट केक के लिए बनाना है। ग्रेट डील है, आपको कौन सी स्कीम है? ग्रेट डील। किस दिन से ये प्राइस लेवल प्राइस स्कीम अप्लीकेबल होगा? 1 जुलाई से ये स्कीम अप्लीकेबल होगा, यानी कि जैसे होता है ना एक कितने से कितने दिन तक हम लोग चलाते हैं, तो यहाँ स्टार्ट डे से मतलब ये ग्रेट डील कब स्टार्ट होगा, मान लीजिए फिर प्राइस चेंज करना है 1 हफ्ते बाद, तो फिर हम लोग क्या करेंगे 8 तारीख को फिर नया प्राइस डाल देंगे। फिलहाल तो हम लोग को चॉकलेट केक का बनाना है। चॉकलेट केक का जो है यहाँ कह रहा है 10 पाउंड तक कोई अगर केक खरीदेगा तो हम उसे 250 रुपये पर पाउंड देंगे और कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11 सेल, क्योंकि लेस देन लिखा है तो 11 से कम यानी 10 ही होगा। तो रेट कितना रहेगा? रेट रहेगा 250। कोई डिस्काउंट नहीं ऑफर करेंगे। अगर 11 पाउंड से लेकर के 25 पाउंड यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 26, क्यों 26? 26 से लेस देन यानी 25 ही तो हुआ। और तो उसको क्या रेट देंगे हम लोग? 235 रुपये। डिस्काउंट कोई नहीं है कि है नहीं है। फिर अगर 26 से लेकर के 30 यानी 31 यहाँ डालेंगे हम लोग, रेट हो जाएगा उसके लिए 235 ही रेट रहेगा, लेकिन इस बार 2% का डिस्काउंट भी हम उसे ऑफर करेंगे। 31 से अगर 40 यानी कि 41 में यहाँ लिख दो तो रेट हो जाएगा 225 रुपये। डिस्काउंट रहेगा कुछ नहीं, 41 से ऊपर करेगा तो रेट तो वही रहेगा 225, लेकिन एडिशनल डिस्काउंट भी हम दे देंगे कितना 3% का। तो ये प्राइस लिस्ट हमने बना ली चॉकलेट केक के लिए। अब इससे फायदा क्या होगा कि जब हम सेल करने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस आएगा, हमें प्राइस डालने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से और भी किसी आइटम का अगर हमें पकड़ाना होता तो रेट हम लोग यहीं से बैठ बैठ के पकड़ा देते, यानी कि एक दिन की मेहनत है। और अगर बार बार प्राइस चेंज करेंगे तो वहीं पर आके हम लोग नया स्कीम हम लोग यहाँ पे लॉन्च करेंगे और उसका नया नाम और नया डेट डिफाइन करेंगे। देखिए कंपनियां ये सब ऑफर स्कीम निकालती रहती है ताकि उसकी सेल्स बढ़े। अब यहाँ पे एक और F11 में जाएंगे, इन्वेंटरी फीचर में एक और चीज़ हमें यस करना होगा, ये सेपरेट डिस्काउंट कॉलम। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट हमने दे रखा है, डिस्काउंट का कॉलम इनवॉइस में आना चाहिए। इनवॉइस में डिस्काउंट का कॉलम आए इसके लिए हमें इसको यस करना पड़ता है। अब देखिए हम लोग जा रहे हैं सेल करने। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 7 तारीख को ऑन 6/2/2018 कंपनी डिक्लेयर 50% ड्यूज। अच्छा सॉरी, ये तो गंगाराम ब्रदर्स का कुछ पेमेंट हो रहा है, तो पहले पेमेंट ही कर देते हैं गंगाराम ब्रदर्स का। पूरा नहीं पेमेंट करें, इसका 50% पेमेंट करेंगे। अल्ट ही कर सके, कैलकुलेटर में आ जाए, अल्ट सी करके कैलकुलेटर पे आना है, ध्यान रहे। 965 × 50% अगेंस्ट रेफरेंस, इसी बिल के अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं। क्रेडिट होगा क्या? HDFC बैंक। चेक नंबर दिया है? जी हाँ, 666305। ठीक है ना, मिसेस गंगाराम ब्रदर्स के नाम पे मैंने चेक भी काट दिया है। बैंक पेमेंट मेड 2 मई को हमने कर दिया, ये 2 जून को करना था, सॉरी। तो ये पेज अप, ये L2, यहाँ पे हमने कर दिया 2/6, हो गया सही। 2 जून को हमने पेमेंट किया, यहाँ देखो 1 जुलाई को करके फिर 2 जून पे आ गए। कोई नहीं, ये एंट्री पहले होनी चाहिए थी, इसके बाद में करना चाहिए था। अब लास्ट में देखते हैं, यहाँ दिया 1 जुलाई को कंपनी सोल्ड 28 पाउंड केक। तो सेल में हम लोग पहुंच जाएंगे 1 जुलाई को ही है। ये डेट गड़बड़ कर दिया, 6 वाली जो 7वीं वाली एंट्री वो 6वें पे होना चाहिए, 6वीं वाली एंट्री 7वीं, क्योंकि जून के बाद जुलाई आता है ना, हम लोग को पता है हम लोग जनरल एंट्री सीक्वेंस में कर, ठीक है ना। तो पहले पेमेंट कर देना जून में, फिर हम लोग ये मैन्युफैक्चर प्राइस लिस्ट तैयार करेंगे और फिर 1 जुलाई को फिर हम बेचेंगे भी। तो चलिए हम लोग 1 जुलाई को हम लोग बेचने जाते हैं। किसको बेच रहे हैं? बिल नंबर दे रखा है, ये हमारा बिल नंबर है। किसको बेच रहे हैं? कंपनी सीधे कैश बोल रहा है तो कैश ही कर देते हैं। मान लीजिए बायर का नाम है रोहित,
रोहित ब्रदर्स, रोहित शर्मा नहीं है क्रिकेट वाला, स्टेट मान लीजिए अपना स्टेट है उत्तर प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे प्राइस लिस्ट आ रहा है, कौन सा प्राइस स्कीम ले, अगर प्राइस स्कीम नहीं लेना है मत करिएगा, प्राइस स्कीम लेना है तो ग्रेट डील, सेल्स का लेजर हम बात कर रहे हैं तो सेल्स का लेजर हम लोग पकड़ा देते हैं। हो गया, यहाँ पे जैसे आइटम हम लोग पकड़ाएंगे चॉकलेट केक, यहाँ पूछेगा गोडाउन, तो गोडाउन किस गोडाउन में पड़ा हुआ है, स्प्लेंडर में पड़ा हुआ है तो स्प्लेंडर से ही बेचेंगे, कितनी क्वांटिटी हमें बेचना है 28 जैसे इंटर करेंगे देखिए रेट और डिस्क सब कुछ अपने आप आए। अब मैं यहाँ पे चेंज करके भी देख लेता हूँ, मान लो कोई 5 पाउंड खरीदता तो 250 का रेट लगता, तो यहाँ पे चेंज करके क्वांटिटी यू कैन चेक कि सच में डिस्काउंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो फिलहाल तो 28 है, 28 पाउंड केक, डिस्काउंट भी आ गया, बस दैट्स इट। बींग गुड्स सोल्ड, तो ये कंप्लीट असाइनमेंट का मैंने आपको वीडियो दिखा दिया है, इसको करने के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हमने सेल किया अच्छे प्राइस पे, ठीक है ना, तो हमें फिलहाल प्रॉफिट हुआ है 10,820 रुपये 24 पैसे का, और ये आप लोग आंसर मिला सकते हैं। और बैलेंस शीट ये देख लीजिए 446,802, तो मैंने दोनों चीज़ों का आंसर भी आपको दिखा दिया है, तो ये आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर ये वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना भूल जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।